आजादी के 75 साल हो गए, तूने कब चाय पिलाई है? जल्दी निकालो मेमोरी कार्ड। आपा बेचारी धूप में जल रही है। कल 15 अगस्त है, उसके लिए सारी प्रिपरेशन आपके सामने चल रही है। अभी तो कुछ देर पहले जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा था डाइनिंग की ओर, तो इधर कुर्सियां वगैरह लगी हुई थी, फिलहाल हटा दिया गया। खौफ आ गया है बारिश का, और खैर बारिश आ भी गई कहते कहते, मैं जब व्लॉग करता ना बारिश आनी ही आनी। पहले छितराई हुई थी, अभी समेट दी गई, अभी सिर्फ प्लास्टिक वाली कुर्सियां बाहर रखी हुई। ये जो आप लाइन से गाड़ियां ही गाड़ियां देख रहे हैं, ये संडे के दिन बयान होता है इस मस्जिद के अंदर, सारी भीड़ इकट्ठा होती है यहाँ पे। काफी सारा काम जहाँ मुझे कम्प्लीट करना है, मेरा एग्जाम है, उसकी मुझे पढ़ाई करनी है, बाकी कल 15 अगस्त के दिन मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। शाम का वक्त हो चुका है, इनको क्या बोलते हैं जो लोग आते हैं देखने के लिए दूर से, सैलानी। सैलानी लोग आए हैं भ्रमण करते हुए, टूरिस्ट। क्या रे तुम पीछे से क्या बोल रहे हो, आपको भी आना है? नहीं, ये, नहीं, ये अपनी कैंटीन पे आए थे चाय पीने के, और यहाँ पे भी झंडा लगा हुआ है, वो हर घर तिरंगा जो है उसके अंतर्गत हर जगह पे झंडे लगाए जा रहे हैं। कहा महाराज, मुंह में घुसा देंगे क्या? ये आपके सामने पूरा मौलाना आजाद लाइब्रेरी का व्यू है, लाइट्स लगी हुई है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, समझे। और इधर आर्ट्स फैकल्टी, अपनी आर्ट्स फैकल्टी का व्यू है, ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है। मैं अंदर जा नहीं सकता, अंदर बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं, ये पूरा भीड़ ही भीड़ है। और ये अत्यधिक तेज ऊर्जा से, अत्यधिक तेज ऊर्जा से वाहन जाते हुए गुलाब जामुन। इधर भीड़ नहीं थी आर्ट्स फैकल्टी पे, तो मैं आपको आ गया सामने से दिखाने के लिए, नजदीक से। क्या नाम को भीड़ो फोबिया है, द फियर ऑफ भीड़। Welcome to a new day guys. Finally the day is come. आज 15 अगस्त है, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। Wish you guys a very happy Independence Day. मुझे आपसे छोटी सी बात करनी थी, छोटी सी। मेरे को एक हदीस याद आ रही थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो है सड़क पे से कोई चीज को हटा देना, ऐसी चीज जो तकलीफ दे किसी को। हदीस जो है सुनने में बहुत ही नॉर्मल सी, बट इसके पीछे की फिलोसफी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किसी को तकलीफ ना हो, और वो तकलीफ किसको ना हो, जनरल लोगों को, कोई स्पेसिफिक लोग। आपको पता नहीं ना उस सड़क से कौन गुजरेगा, नहीं पता, बट फिर भी हटा दो ताकि आगे वाले को तकलीफ। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए सोच रहे हैं, कम्युनिटी के लिए, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। वन ऑफ द प्रैक्टिसेस उन्होंने बताया हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल एक और है जिसमें अपने आस पड़ोस में 40 घर जो उनका ख्याल रखना और देखभाल उनकी करना, अगर उनमें से कोई भूखा सो रहा है तो उसकी पूछताछ तुमसे होगी कयामत वाले दिन। कम्युनिटी के बारे में सोचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया हुआ है कि पर्टिकुलर किस्म के लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग, नहीं, जनरल कोई भी। तो ये दो चीजें मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक कम्युनिटी को बांध कर रखने वाली बात की। कंट्री से मोहब्बत करना, उससे प्यार करने का तकाजा यही है कि आप लोगों से मोहब्बत करो पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इंडिफरेंसेस। हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करें उनके काम पे तो समझ में आता, अगर कोई गलत काम कर रहा उसको डिस्क्रिमिनेट करे, उसको ना पसंद करे वो समझ में आता, अगर वो सही काम कर रहा और वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस, इवन दो किसी भी नेशनैलिटी का भी हो, वी हैव टू लव हिम, चेरिश हिम एंड सपोर्ट हिम। तो बस मैं ये छोटी सी बात बोलना चाह रहा था कि देश बनता है लोगों से, और अगर हम लोगों की इज्जत नहीं कर पाएंगे तो देश की क्या कर पाएंगे। नमाज वगैरह हो गई, फज्र का वक्त खत्म हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। मेन प्रोग्राम जो अपने हॉस्टल में होता, अच्छी बात तो ये है, तो मैं आपको शुरू से दिखा सकता हूँ चीजें स्टेप बाय स्टेप। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह तामझाम शुरू हो गया है। उस साइड ताम झाम चल रहा है, इस साइड पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ, कुछ नहीं, पीछे आइलैंड, आगे रिजॉर्ट, वही वाला बात हो गया। सो गाइस, खतरनाक वाली धूप निकल चुकी है, दवी सीज अबाउट टू कम। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और वीडियो एडिट करते करते थोड़ा सा लेट हो गया, फिर मैं नहाने गया तो वो भी लेट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। Value our hard-earned freedom. On 15th August 1947, as one nation, as one people, as one country. Oh.
वीडियो बॉम्बिंग मत करो। सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। मैं खत्म फ्लैग होस्ट कर रहे थे तो मैं सोया रह गया। अरे सोया बोल रहा हूँ, मैं नहा रहा था उस वक्त। अरे बोल लेने दे मेरे को। उधर फ्लैग होस्ट हो गया, खत्म हो गया कार्यक्रम। कुछ नहीं देख आई थी, बस दूर से फ्लैग होस्ट होते हुए देखे दूर से। उसका फायदा क्या है? तुम ड्रोन लेकर आओ ना। अभी हमारे फ्रेंड का ड्रोन हमारे पास आ चुका है। सारा क्रियाक्रम खत्म हो गया। भीड़ का एरियल व्यू लेंगे। You forgot to bring memory card, huh? What kind of man he is? GoPro GoPro से लेकर आना है। बंदा सब कुछ लेकर गया, memory card भूल गया। ये लो, जल्दी निकालो memory card। Apps नहीं है, मैं restore किया था। App भी नहीं है। GoPro तो साले का। अभी पापी आदमी, यहाँ से देखे सवाहियात आदमी को। ये बंदा पहले ड्रोन लेकर आया, ड्रोन में मेमोरी कार्ड नहीं था तो अपना GoPro मंगाया, उसमें बोला मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड लेकर आया तो बोला अभी इसके पास ऐप नहीं, अभी ऐप डाउनलोड कर रहा है। आपा बेचारी धूप में जल रही है। नहीं जल रही हो? पापा की परी नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, क्या है SM Alligarian Vlogs करके। तेरे को काट के मैं फेंक देगा गंगा में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में फेंक। मेरे और भी सब्सक्राइबर्स मिल गए हमको, फैसल, मोहम्मद शमीम, अनीस खान, रेहान खान, चार मुस्तंडे। आजादी के 75 साल हो गए, तूने कब चाय पिलाई है? मैं कब लेके जा रहे हैं आप सभी को? 30 रुपए है अकाउंट में भाई। 200-300 रुपए ले ले, उड़ा दे इसको। कबूतर जा। What it takes to fool this down, I'll do it till the sun goes down, all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I tell you what you want. आपका आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फेफड़ों में पानी ना भरे, आपके फेफड़ों में खुशियां भर जाएं। अरे कुछ नहीं भरना है। ध्यान से देखिए इस धोखे धड़ी को। एमयू में क्या होता है, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है ना तो पेड़ कहीं से उखाड़ के निकाल के, जड़ से उखाड़ के लेकर आ जाते हैं, लगा देते हैं, फिर जैसे ही फंक्शन खत्म वापस उसको रफा दफा। कहाँ जा रहे हैं भाई? ब्लॉग करने, ब्लॉग ब्लॉग। लखनऊ के नवाब। लेंस से ही शूट कर देंगे आज। तुम क्या कर रहे हो? Here comes our VC. कतई बदतमीजी वाली एकदम गर्मी है अंदर, फेफड़े मेरे सुलग गए। Strong. बात की बात है, सबसे पहले अंदर खुद हमारे वीसी साहब ने बोला है कि यहाँ एसी लगवाएंगे। ये सारे फ्रीडम फाइटर इसमें यहाँ पे देख रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी है। दलीम खा रहे हैं? ये दलीम है, दलीम भाई। इतनी महंगी तस्वीरें इनको भेज दूंगा तो इकोनॉमी हिल जाएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फोटो है ये, लंदन। लंदन में जो हुआ था, यहाँ पे देखिए अम्बेडकर साहब बैठे हैं। अल्लाह अकबर। हमने क्यों लगाया है? इसी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसी पे आया है। इसमें ये जो साहब है ये गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। जैसे गांधी के बहुत सारे खुद थे। ये गांधी जी का है जी? ये गांधी जी का आज पता चला। गांधी जी न्यू उर्दू अल्लाह अकबर पर लिखा हुआ है। क्या अच्छा, इनकी बेगम को पहला खत उर्दू में लिखा है, वो भी हमारे पास महफूज है। अच्छा, 1948 की डेथ हो गई, ये गांधी का लास्ट। इस फोटो के बाद दूसरी फोटो जो है आपके हवाले किया जा रहा है, उनका अब्दुल मजीद ख्वाजा ये बैठे हुए कलाम पाक पढ़ रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फोटो है। किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर इतने स्टैंप नहीं है, वो तो है वही तो। ये अंदर पूरा खजाना है, खजाना कम मत समझो। वहाँ बाय द वे ये आर्ट गैलरी के इंचार्ज हैं, इसलिए इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन। शेर ए कश्मीर। सबसे ज्यादा रेयर फोटोग्राफ जो आप मानते हैं इस पूरी गैलरी का, वो कौन सा है? गांधी जी की समाधि का फोटो कहीं। बेगैरत आदमी। जामे मिलिया इस्लामिया 30 अक्टूबर 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में कायम हुई। उसका पहला कॉन्वोकेशन भी अलीगढ़ में हुआ। ये कुछ पहली कॉन्वोकेशन थी। ये वो है क्या, खान अब्दुल गफ्फार? ये इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, एकदम फ्रंट से लीड करने वालों में से, जो नाम जिनका सुनते हैं। एक ये और एक और थे। सारा तामझाम खत्म। हम लोग को स्पेशल एंट्री मिला था, मतलब मैं कह रहा था हम लोग वीसी के साथ एंट्री मार लिया, मजा आ गया। बाद में अभी सब लोगों को एक्सेस मिल रहा है, वो लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। फूल चुराओ मत। आप सभी देखते हो चैनल? चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ काटेंगे नहीं, सबका रहेगा सारा काम खलास, फिनिश। अलग ही दुनिया में आ गए।
धूप में हमारे फेफड़े जल रहे हैं। सुकून मिला। That's it guys, that's it for today. मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। बहुत थक गए। अरे माइक माइक लाइक वीडियो अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे कितने 7000 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के बाद हो जाने चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये अपना भाई, इसने भी बहुत हेल्प किया मेरा। इनके ऑफिस को हमने कैप्चर किया। बस खत्म कर दो। पंडित जवाहरलाल ने हाँ वो होते थूक देते तुम्हारे ऊपर।